तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाई पिज्जा ऑलवेज बीन्स ओवर पोहा। सबसे पहला फैक्टर है पिज्जा का चीजी टैंजी फ्लेवर जो सबको अट्रैक्ट करता है, लेकिन पोहा सिंपल होता है। पिज्जा में टॉपिंग्स इंडलेस वैरायटी का होता है, जैसे वेजीज है, मीट है, इसके अलावा चीज डाल सकते हैं, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होता है। पोहा जनरली बहुत ही स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, इसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस की गुंजाइश नहीं होती है। तीसरा है पिज्जा की पिक्स इंस्टाग्राम पे ज्यादा हिट होती है, उसका लुक और फील बहुत अपीलिंग होता है। पोहा ऑन द अदर हैंड लुक्स वेरी बेसिक। चौथा है पिज्जा एक परफेक्ट कंफर्ट फूड है, तो स्पेशली ड्यूरिंग मूवीज या गैदरिंग्स पोहा इज मोर ऑफ अ यूनिक ब्रेकफास्ट ऑप्शन। पांचवा है पिज्जा को ऑर्डर करना और डिलीवर करवाना बहुत इजी है, पोहा यूजुअली घर पे बनाना पड़ता है और होम बेस्ड इंग्रेडिएंट से बन जाता है। छठा है पिज्जा इज ऑल अबाउट इंडल्जेंस एंड ट्रीटिंग योरसेल्फ, पोहा इज हेल्दी एंड लाइट बट कभी कभी चीट मील की क्रेविंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। सातवा है बच्चों को पिज्जा बहुत पसंद होता है बिकॉज ऑफ इट्स फन लुक एंड चीजी टेस्ट, पोहा उन्हें थोड़ा बोरिंग लगता है। आठवां है पिज्जा पार्टीज आर अ बिग हिट, पोहा पार्टीज मैंने नहीं सुना है, आपने सुना है क्या? पिज्जा कैन बी मेड फ्यूजन स्टाइल, थिंक तंदूरी पनीर पिज्जा और बटर चिकन पिज्जा, पोहा का फ्यूजन वर्जन इतना पॉपुलर नहीं है। दसवां है चीज लव, तो चीज लवर के लिए पिज्जा इज हेवन, वहीं पोहा में ये इंडलजेंट एलिमेंट मिसिंग होता है, लेकिन हेल्थ के मामले में पोहा हमेशा ऊपर होता है और पिज्जा हमेशा नीचे। तो अगर पॉपुलरिटी में बोले तो नो डाउट कि पोहा इज ऑलवेज इंफीरियर, पिज्जा इज ऑलवेज सुपीरियर इन पॉपुलरिटी, बट कभी कभी पिज्जा चलेगा बट पोहा इज ऑलवेज हेल्दी एंड लाइट मील। और जब भी आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तो पोहा ही आपके काम आएगा। वैसे हॉस्पिटल का बेड, मेडिसिन, ये सब भी बहुत बेसिक होता है और इसमें पैसे भी ज्यादा लगते हैं। तो अब आपकी चॉइस है कि आप पिज्जा खाना पसंद करते हो या पोहा, रेगुलर खाना पसंद करते हो या कभी कभी, ये सब आपकी चॉइस है।